तो दोस्तों ये है जियो का नया स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट का सक्सेसर जियो फोन 5G, जिसमें आपको 120 हर्ज डिस्प्ले और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। 8GB प्लस 8GB एक्सपेंडेबल मेमोरी के साथ इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया गया है और इस बार जियो ने कुछ कमाल कर दिया। अपने पिछले स्मार्टफोन के मुकाबले इस बार कुछ ज़्यादा ही अपडेट दिया है। इस बार के स्मार्टफोन को आप देख कर कहीं कहीं खुश होंगे, लेकिन थोड़े से डिसअपॉइंट ज़रूर हो सकते हैं इस स्मार्टफोन के डिस्प्ले को देखकर। लेकिन प्राइस से तुलना किया जाए तो यह स्मार्टफोन कहीं कहीं आपके हाथ में बैठने लायक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस स्मार्टफोन के बॉक्स में आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। यहां पर आपको अगेन उसी चीज को दोहराया गया है कि 8GB रैम और 8GB एक्सपेंडेबल रैम, जहां पर आपको टोटल 16GB का रैम देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ यहां पर टाइप C2C केबल दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी अपडेट है जियो के ऐसे स्मार्टफोन में जिसकी कीमत बहुत कम रखी गई है। और उसके साथ साथ आपको एक 20 वाट की चार्जर दी गई है, जो जियो कंपनी के अकॉर्डिंग 1 घंटे 20 मिनट में इस डिवाइस को चार्ज कर देगा। चलिए एक बार नजर डालते हैं फोन पे। उसके पहले टोटल बॉक्स कंटेंट पे नजर डालते हैं तो आपको 20 वाट का एडाप्टर मिलेगा, USB C2C केबल मिलेगा और यूजर मैनुअल मिलेगा, और उसके साथ साथ सिम इजेक्टर टूल मिलेगा। और नीचे के साइड आपको रेड का मार्क दिखेगा, जहां पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट रेट। चलिए अब नज़र डालते हैं हम लोग स्मार्टफोन पे। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस स्मार्टफोन की खासियत यही है कि आपको एक कम्पैक्ट छोटे साइज का डिस्प्ले दिया गया है। ये डिस्प्ले काफ़ी लार्ज नहीं होने वाला है एज कम्पेयर टू अदर स्मार्टफोन जो मार्केट में इस समय चल रहे हैं। फोन का कलर आपको प्रोडक्ट रेड है और पीछे की साइड से लुक काफ़ी बेहतरीन है। डुअल रियर कैमरा का सेटअप दिया गया है। वहीं पर सामने की तरफ बात किया जाए तो आपको 6.2 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। जहां पर डिस्प्ले की बात किया जाए तो आप थोड़ा सा डिसअपॉइंट जरूर होंगे, क्योंकि 2025 आने वाला है, यहाँ पर कर्व डिस्प्ले चल रहा है, लेकिन अगेन जियो ने नॉच के साथ डिस्प्ले लॉन्च किया है। हालांकि डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी बेहतरीन है, लेकिन नॉच को माफ नहीं किया जा सकता इस समय 2025 के सन में। कैमरा की बात किया जाए तो सामने की तरफ आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, वहीं पर पीछे की तरफ आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी बेहतरीन रिजोल्यूशन के साथ 2160 पिक्सल के साथ आती है। और इसे जूम करने पर भी फोटो का काफ़ी ज़्यादा क्लियरिटी सामने नज़र आता है। और इसमें काफ़ी सारे फिल्टर दिए गए हैं, जूमिंग कैपेसिटी इसकी ठीक ठाक है। और उसके साथ साथ बात किया जाए किस तरीके से आप इस स्मार्टफोन को ले सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात किया जाए तो सामने की तरफ जियो ने इस बार 16 मेगापिक्सल का सोनी सेंसर लगाया है, जिसके जरिए आपको कई सारे बेहतरीन फोटो निकाल सकते हैं। इसमें खूब सारे फिल्टर भी इस बार जियो ने इंट्रोड्यूस किए हैं। कुछ फोटो सैंपल की बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सामने का कैमरा, जो कि जियो ने इस बार हाईलाइट करके इस स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च कर रहा है। तो सामने के कैमरे से कुछ फोटो कैप्चर करते हैं फिल्टर को यूज करके, और कुछ इस प्रकार से रिजल्ट आपको सामने को देखने को मिलेगा। जहां पर सबसे पहला फोटो मैंने क्लिक किया है और यहां पर सामने देख सकते हैं ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट में एक स्पेशल इफेक्ट के साथ क्लिक किया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप ब्लैक बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड भी कर सकते हैं, और उसके साथ आप नॉर्मल और बोका मोड की इमेज काफ़ी बेहतरीन निकाल सकते हैं इस स्मार्टफोन के जरिए। इस स्मार्टफोन की सबसे इंटरेस्टिंग चीज बैक साइड है। जी हाँ दोस्तों, अट्रैक्टिव लुक के साथ इस बार जियो इस स्मार्टफोन को बनाया है, जहां पर पीछे की साइड आपको डुअल रियर कैमरा का सेटअप और उसके साथ साथ एक LED दिया गया है। और बात करें इसके फिंगरप्रिंट को तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा। नजर डालते हैं प्राइस पे तो इस स्मार्टफोन को केवल 500 रुपये में अपने घर ला सकते हैं, लेकिन ये EMI बेस्ड होगा। पर महीने आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे और इस स्मार्टफोन की कास्ट लगभग 4999, 5999 और उसके साथ साथ 6499 है। और इस पैसे को जियो अपने रिचार्ज में भी मेंटेन करेगा, यानी कि स्मार्टफोन लेने के बाद आपको कुछ दिन